इस कंपनी की 14XW हाइड्रोलिक क्रेन। अब ये जो पर्टिकुलर क्रेन है 14 टन तक का माल आसानी से उठा सकते हैं, जो वेट है 14 टन का आसानी से उठा सकती है। लोअर इसमें आप देख सकते हैं जो इसका जो बूम है, लोअर बूम सेटिंग के अंदर ये 14 टन तक का वेट आसानी से उठा सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसको किस प्रकार से ऑपरेट करके चलाया जाता है। इसके ऑपरेटर से हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से आप चला सकते हैं, इसको चलाने में किस प्रकार की दिक्कतें आपको सामने करनी पड़ेंगी, उसके अलावा किस तरह से इसको ऑपरेट करके चलाया जाता है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, एक बार अपना परिचय दे। जी मेरा नाम राम मोहन है। जी जी मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ 3 साल से। 3 साल हो गए चलाते हुए। हाँ जी। तो अभी जैसे नए ऑपरेटर है वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको ऑपरेट करके चलाया जाता है, तो सबसे पहले आप बताएं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें रहते हैं ऑपरेट करने के। जी मतलब इसमें क्लच ब्रेक और गियर का सिस्टम तो वही होता है जो और गाड़ियों में होता है, सिर्फ स्टीयरिंग का और ये 3 चीज मतलब हाइड्रोलिक का सिस्टम है, जैसे बूम हुआ, ये कप्पा हरिय करना हुआ, स्टीयरिंग हुआ, ये 4 चीज़ मतलब अलग हैं, बाकी सब सेम हैं। ओके, तो आप इसको स्टार्ट करके एक बार चला के देखें। सबसे पहले चाबी ऑन करिए आपने। ठीक है, ये स्टार्ट रहेगी। ठीक है, स्टार्टर है इसका। ठीक है, ये अपने बटन दबाना है, गाड़ी स्टार्ट। जैसे अपने को स्टीयरिंग वाला ही है सबसे पहला ऑप्शन, जैसे इस साइड करेंगे आगे की साइड तो ये मतलब अच्छा ये मूवमेंट लेफ्ट रहेगी और ये राइट साइड है, ये अपना बूम अप डाउन ऊपर नीचे करना है, इससे नीचे होगा इससे ऊपर होगा। जैसे अपने को कोई भी ऑपरेटर भाई जो भी चलाए सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने ये ढीला करोगे जब बूम निकालना, अगर आपने ये ढीला नहीं किया कप्पा तो आपका ये कप्पा टूट सकता है रस्सा, इसको पहले ऐसे ढीला करेंगे उसके बाद बूम निकलेगा। जैसे इसको ढीला नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, बेंच भी टूट सकती है, रस्सा भी टूट सकता है, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आप जैसे इसमें गियर स्पीड है, कितने गियर की स्पीड दी गई है? जी इसमें 3 गियर हैं, एक बैक है, 4 गियर हैं, इसमें मिनिमम स्पीड है 25 की। ओके, तो लो हाई दोनों स्पीड इसमें आपको मिल जाती है? हाँ, लो गियर ये है जी। ठीक है, 3 गियर मिलेंगे, एक ब्रेक गियर मिलेगा। अब जैसे हाइड्रोलिक की जो मूवमेंट है इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है, खाली एक लीवर की सहायता से इसको घुमाया जाता है, तो इसमें जैसे कितनी डिग्री तक आसानी से घूम जाती है? जी ये पूरा घूम जाता है, इसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है स्टीयरिंग साधन, बाकी कोई भी गाड़ी चला सकता है, सबसे इसका कंट्रोल होता है, इसको ही कंट्रोल अप डाउन करना है, जैसे इधर उधर करना, इस साइड से होगा राइट साइड, इससे होगा लेफ्ट, ये है स्टीयरिंग का मेन पॉइंट। आप जैसे इसको नॉर्मली आपने ऑपरेट करके बताया, मैक्सिमम जो इसकी हाइट है बूम की वो कितनी चली जाती है? जी इसमें 3 प्रकार की मशीन आती है हेडरे में, ये 14-36 है, इसका 14 टन है, 36 फुट बूम है, मतलब 14 टन वेट की कैपेसिटी है और 36 फिट हाइट है इसकी। तो जैसे मैक्सिमम जो लोड है आपने कितना उठा लिया? जी मैक्सिमम लोड इसके लोड चार्ट की तरफ है, जैसे सामने वाला बूम देख रहा है वहाँ पर फुल जैसे बूम निकाल के उठाएंगे अपन तो इसकी 2.5 टन की कैपेसिटी है। ठीक है, अभी जैसे कंपनी बताती है उस हिसाब से आपने टोटल फुल लंबाई के साथ में इसके बूम में कितना वजन उठा लिया? जी फुल 2.5 टन उठाती है लास्ट। अच्छा, जैसे उठा लिया इसको 2.5 टन? हाँ जी, बूम अंदर करके उठाओगे तो 11 से 12 टन उठा लेती है मैक्सिमम वेट, 14 टन की मशीन है। ठीक है, अब जैसे जो ऑपरेटर हैं नए ऑपरेटर हैं किन किन चीज़ों की उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सबसे पहले तो इसके मेन वही कप्पे की होती है, सबसे ज़्यादा जान का खतरा वही होता है, जैसे अपने कपड़ा हरिया नहीं करा तो वो टूट के नीचे पड़ जाएगा तो उसको दिक्कत होती है, कोई सामने वाला कोई बंदा नीचे कुछ बेल्ट वेल्ट लगा रहा है, चेन लगा रहा है तो उसके ऊपर जाके पड़े ना, सबसे पहले स्टीयरिंग की और वही बूम की देखनी पड़ती है जी। ठीक है, और बाकी तो सब गाड़ियों की तरह सेम ही है। सेम ही है सर। हाँ जी। ठीक है, और जैसे ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं कितने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें ग्रीसिंग करवा लेनी चाहिए? जी इसमें 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन? हाँ जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसे कि आपने बताया है किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग वीडियो है ये स्पेशल आपके लिए यहाँ पे बनाई जाती है, किस तरह से मशीनों को आप चला के यहाँ पे ऑपरेट करके चला सकते हैं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।